नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनोमीट्री और 24 आवर पीएच मीट्री के बारे में। बहुत सारे लोग जो हाइटस हर्निया या लैक्स एलियस से पीड़ित हैं, उन्हें अक्सर ये दो टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं ऑपरेशन से पहले या ये जानने के लिए कि क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। हम एक एक करके जानेंगे कि इन टेस्ट का मतलब क्या है। मैनोमीट्री का मतलब है कि इसमें फूड पाइप की मूवमेंट को देखा जाता है, यानी कि आपके फूड पाइप के अंदर नोज़ के थ्रू एक कैथेटर जो कि एक छोटा सा पतला सा पाइप जैसा होता है उसे डाला जाएगा और आपको पीने के लिए कुछ पानी के सिप्स दिए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि जो फूड पाइप है वो अपना काम ठीक से कर पा रही है या नहीं। इसका रिज़ल्ट आपके टेस्ट के कुछ देर के बाद ही मिल जाता है, कुछ मिनटों में ही ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और डॉक्टर इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। इसे देखकर हम ये जान सकते हैं कि क्या आपको GERD यानी रिफ्लक्स डिजीज़ का ही डायग्नोसिस है या कुछ और बीमारियां जैसे कि एक्लेजिया कार्डिया जिसमें कि फूड पाइप की मूवमेंट ठीक नहीं रहती, कहीं वो प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, या और ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें सिम्टम्स GERD जैसे ही हो सकते हैं, जैसे कि GERD के पेशेंट्स में एसिड ज़्यादा बनना, एसिड का ऊपर को आना, आपको हमेशा एक थोड़ी सी दर्द बनी रहना। ये सारे सिम्टम्स कई सारी बीमारियों में हो सकते हैं और अगर हमें हाइटस हर्निया के लिए फंडोप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है तो ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि क्या आपको सिर्फ यही बीमारी है और ये सिम्टम किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहे। अगर फूड पाइप की पावर पूरी नहीं है तो हमें ऑपरेशन को मॉडिफाई करना पड़ सकता है या हमें कोई ऑल्टरनेटिव ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो कुछ पेशेंट्स में हम ये टेस्ट करवाते हैं जिनमें हमें कुछ डाउट है। ऐसा नहीं है कि हर एक में होना चाहिए, लेकिन जहाँ भी हमें डाउट लगता है हम ये मैनोमीट्री का टेस्ट ऑपरेशन से पहले करवाते हैं। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है उसे 24 आवर पीएच मीट्री कहा जाता है, या इसे हम इम्पीडेंस मीट्री भी कह सकते हैं जो पीएच मीट्री की एडवांस फॉर्म है। इसमें हमें कैथेटर फूड पाइप के अंदर जो कि स्टमक के अंदर तक जाता है उसे हम 24 घंटे तक पेट में रखते हैं, यानी कि अगर आज सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ तो कल सुबह 8 बजे तक की हम रीडिंग्स लेंगे। इसके साथ साथ आपको एक मॉनिटर जिसके साथ एक बटन लगा होगा वो दिया जाएगा ताकि जब भी आपको रिफ्लक्स के सिम्टम्स हों, आपको लगे कि एसिड वापस फूड पाइप में जा रहा है, आप उसे प्रेस कीजिए और हम उसे कोरिलेट करेंगे कि जो हमारे टेस्ट में रिफ्लक्स दिखा रहा है वो आपके सिम्टम्स के साथ साथ उसी समय कोरिलेट होते हैं या नहीं। इसमें 24 घंटे में कितने रिफ्लक्स एपिसोड्स हुए वो देखा जाएगा और उसे नॉर्मल पेशेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। नॉर्मल लोगों में भी कुछ रिफ्लक्स एपिसोड्स होते हैं, लेकिन GERD के पेशेंट्स यानी हाइटस हर्निया या लैक्स एलियस के पेशेंट्स में ये नॉर्मल एपिसोड से कहीं ज़्यादा होते हैं और इन सब चीज़ों को मिलाकर हम ये एक डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं कि आपके केस में वाकई ही एक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहे हैं या ये सिम्टम्स किसी और वजह से हैं। सो 24 आवर इम्पीडेंस मीट्री या पीएच मीट्री हमें ये GERD के डायग्नोसिस को और भी मजबूत करने में हेल्प करती है और ये टेस्ट भी हम उन्हीं पेशेंट्स में करवाते हैं जिनमें हमें डाउट रहता है कि उनके सिम्टम्स उनकी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं। जब भी हमें डाउट हो हमें ऑपरेशन से पहले ये टेस्ट करवाकर अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना चाहिए कि प्रॉब्लम कोई और ना हो और आपको ऑपरेशन फंडोप्लिकेशन होके आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा ना दे। वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको इन दोनों टेस्ट के बारे में आइडिया लगा होगा। ये दोनों ही बहुत ईजी टेस्ट हैं, ईजीली अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ रूटीनली किए जाते हैं और अगर आपको इसमें कोई भी और डाउट हो तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।